हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। पिछले कुछ वीक्स में मैंने एक दो कॉल रिसीव किए थे कि मैं दाल खा के पक चुकी हूँ, मुझे और क्या खाना चाहिए। मैं पनीर नहीं खाना चाहती, मैं और क्या खाऊँ। मैं सोया नहीं खाना चाहती, मुझे अंडे नहीं पसंद, मुझे चिकन नहीं पसंद, मुझे मेरा टेस्ट बड ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और, कुछ टेस्टी सा, कुछ डिफरेंट, कुछ और खिला दो, बट वेट लॉस भी करना बहुत ज़रूरी है, कुछ समथिंग लाइक डिफरेंट। सो मैंने उन सबको डाल दिया था आलू डाइट पे। आलू की खूब सारी रेसिपीज़, आलू की बनी सब्जियाँ, आलू की बनी सैलड्स, एंड उसकी हेल्प से जो रिजल्ट्स निकले हैं वो ये रहे, एंड ये अमेजिंग है। नाउ अब हम बात करते हैं आलू की। नाउ आलू ऐसा क्या है कि वो वेट लॉस भी कराता है, वेट गेन भी कराता है। यस, आलू वेट लॉस भी कराएगा, वेट गेन भी कराएगा। आलू जो है उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। जब उसका कोई टेस्ट नहीं है, वो ईजिली कोई भी टेस्ट को डेवलप कर लेता है, एंड उसके बाद जो उसकी रेसिपीज़ बन के निकलती हैं वो बहुत ही स्वाद होती हैं। बट पॉइंट इज़ कि वेट लॉस करने के लिए और वेट गेन करने के लिए आलू को किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आलू को तलते हैं, फ्राई करते हैं, बहुत सारे मेयोनीज क्रीम्स डालते हैं उसके अंदर, एंड फिर उसको खाना प्रेफर करते हैं इन नंबर ऑफ सॉसेस के साथ। बट जिन जिन लोगों को वेट लॉस में आलू को यूज़ करना है, अब आलू को वेट लॉस में हमें यूज़ क्यों करना, बाकी भी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों के टमी में अल्सर्स होते हैं, जिन लोगों को बहुत मैसिव इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है, जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड जिन लोगों को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लूजेज होते हैं, लाइक लूज मोशंस लगे होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है, कभी किसी फूड से एलर्जी है, कभी किसी चीज़ से इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, उन लोगों को हम आलू प्रेफर करते हैं कि आप आलू खाओ। आलू के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी हेल्प से 90% जितने भी स्टमक के इन्फेक्शन होते हैं उसको साफ और क्लीन करने में बहुत अच्छा काम आता है। आलू जो है रिच इन पोटेशियम है, जिसकी हेल्प से बॉडी के अंदर जितने भी वाटर रिटेंशन हमारा रहता है, जब भी हमारा बॉडी एकदम स्वॉलन होता है, वाटर अच्छे से, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा होता, मैं अपने सारे मेंबर्स को बोलती हूँ कि आलू, दो आलू उबाल लो, उसको अच्छे से सौते कर लो, आप घी में जीरा डाल के और नमक डाल के और दही के साथ खा लो, इतना अच्छे से आपको यूरिन क्लीन होगा एंड आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। बट वहीं पर अगर आलू को आप तल लो, बहुत अच्छे से फ्राई कर दो, बहुत अच्छा डीप फ्राई, कसम से वो इतना वेट गेन देगा कि आपकी बॉडी और ज़्यादा स्वॉलन हो जाएगी। आलू को अगर आप लंच में अपनी सैलड्स में ऐड करते हो विद एन नंबर ऑफ़ रेसिपीज़ एंड एन नंबर ऑफ़ सैलड्स, ट्रस्ट मी, वो आपको रात तक फुल रखता है। आलू एक हाई सोर्स है फाइबर का एंड कार्ब्स का, जिसकी हेल्प से आपको बहुत लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती, एंड जब कार्ब बहुत अच्छा है और फाइबर बहुत अच्छा है तो कसम से कॉन्स्टिपेशन जिन जिन लोगों को है, फिशर पाइल्स जिन जिन लोगों को है, उन लोगों को आलू बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टमक क्लियर करने में एंड क्लीन करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फास्टिंग करती हूँ 90% थर्सडेज को, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं स्किप करती हूँ, आई प्रेफर ओनली आलू। जो लोग फास्टिंग करते हैं मंडेज़ को, ट्यूसडेज़ को या वीक में कोई भी, मैं उन सबको आलू का डाइट देती हूँ कि आलू खा लो, एंड उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ये रहे आपके सामने। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो रही आलू की बात, बट आलू को कैसे यूज़ करना है। किसी भी रेसिपी में, किसी भी फॉर्म में अगर आप आलू को डाल रहे हो, मेक श्योर आप आलू को पहले बॉईल करो और उसके बाद डालो। अगर आप आलू की रेसिपीज़ को लंच में लेते हैं, मॉर्निंग में आप अपना जौ ज्वार की रोटी लेते हैं, चीलास लेते हैं, डिनर में आप सूप्स या फिर प्रोटीन रखते हैं, आपके पनीर, अंडा, चिकन रखते हैं, एंड खूब सारा आप अपना पानी अच्छे से पीते हैं, डिटॉक्स वाटर अच्छे से लेते हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके हाथ में, और आप किसी भी टाइप की कोई भी मेडिकेशंस पे नहीं है, आंटी एलएस वो थायराइड हो या फिर आपका शुगर का हो, गाइस आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो सकता है एंड आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड ट्रस्ट मी आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी क्रेविंग नहीं होगी। एक सिंपल सा फंडा है डाइट करने का, जो लोग लो कार्ब डाइट पे होते हैं या जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ फास्टिंग के और क्रैश डाइटिंग के। नाउ जिन जिन लोगों को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होती अपने फूड से ना, वो बहुत जल्दी डाइट क्विट करते हैं और डाइट क्विट करके वो डबल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बहुत सारे अपने बैच में लोग देखे हैं जो डाइट कर रहे हैं, बट वो इतने हाई लेवल ऑफ फूडी हैं, गलती उनकी भी नहीं है, वो 10-15 सालों से बहुत एन नंबर ऑफ जंक फूड अपने बॉडी में डाल रहे हैं। अब उनको जो डाइट दी जा रही है वो टेस्टलेस अगर वो फील करेंगे, कुछ लोग तो क्विट कर देंगे, कुछ लोग फ़ोन पे आराम से बात कर लेते हैं, यार टेस्ट नहीं आ रहा, इससे बेहतर कि मैं जंक खाऊं, तुम ही कुछ बता दो कि जिससे मेरी क्रेविंग शांत हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं आलू का देती हूँ उनको एन नंबर ऑफ़ रेसिपीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड ट्रस्ट में उनका जो टेस्ट बड है वो शांत हो जाता है, उनकी क्रेविंग शांत हो जाती है, बहुत आराम से वो डाइट कर लेते हैं।
जब आप इंटरनली बहुत सेटिस्फाई हो अपनी डाइट से, अपने खुद के फूड हैबिट्स से, अपने फूड के से बिल्कुल आपका शांत हो रहा है, आपको कोई क्रेविंग नहीं आएगी. आपको क्रेविंग आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले आप अपना डाइट चेक करो कि क्या आपकी डाइट जो है वो सफिशिएंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तभी आप आगे चलो. अदरवाइज टॉक टू योर जो भी एक्स वाई जेड आपको डाइट दे रहे हैं. सो या दैट्स इट. अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं लंच की रेसिपीज रिलेटेड टू आलू. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत यमी है, बहुत फिलिंग है. एंड जिन जिन लोगों का सेल का जॉब है, फील्ड का जॉब है, जो पूरा दिन भागा दौड़ी करते हैं, जो फिर भी वेट लॉस करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी उनके लिए बेस्ट रेसिपीज हैं. जो न्यूली मदर्स हैं जो कहती हैं कि नहीं यार हमें लो कार्ब डाइट पे डाल दो बट हमारा वेट लॉस करा दो, क्योंकि हमारे बच्चे का फर्स्ट है, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, जो भी एक्स वाई जेड है, आप आलू उसको अपनी डाइट में ऐड करो और उसके बाद मिरेकल देखो. सो यार चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू से बनी रेसिपी. सबसे पहली रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं पालक आलू. इसमें लिया मैंने ऑयल थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास है प्याज. सबसे पहले मैंने डाले इसमें प्याज, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे टमाटर, इसके अंदर मैं डालूंगी अब सॉल्ट, जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा पालक. ये दो मुट्ठी पालक मैंने बॉईल करके, अच्छे से वॉश करके बॉईल किया है और उसके बाद इसको ब्लेंड करा है. निकल गया जी पालक, पालक ऑलरेडी कुक्ड है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँ मेरे दो बॉइल्ड आलू. जिन जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है वो ये रेसिपी बना के लीजिए विद कर्ड, अच्छे से फ्लश अप हो जाएगा. एंड पीसीओडी वाले कर्ड अवॉइड करेंगे. दो मिनट हम इसे कुक करेंगे एंड इट्स गुड टू गो. एंड हियर वी गो, आलू पालक इज रेडी. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्ची बीन्स एंड आलू की सब्जी. सो ये रहा मेरा पैन, गरम हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा ऑयल. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले प्याज. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे टमाटर. एक टमाटर मैंने इसमें डाला. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस. सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मेरी हल्दी पाउडर. नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम अपना सॉल्ट. नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर. इन सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी दो बड़ी कटी हुई शिमला मिर्ची. नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेरे थोड़े से बीन्स, मुट्ठी भर बीन्स, ये बहुत ज़्यादा है, जस्ट मुट्ठी भर बीन्स. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, दो तीन चम्मच जितना पानी या करछी जितना पानी. अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे सिम आंच पर. ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं. 5 मिनट्स लगते हैं सब्जियों को पकने में, इस सब्जी को, शिमला मिर्ची और बीन्स को. नेक्स्ट अब इसमें मैं डालूंगी मेरे उबले हुए दो आलू. अब फॉर अ टेस्ट, कि अच्छा सा हमें टेस्ट आए, मैं डाल रही हूँ मेरा होममेड गरम मसाला. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम में एक रील में डाल दूंगी. बहुत यम्मी इसका फ्रेगनेंस और इसका टेस्ट आएगा. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड इट्स गुड टू गो. इसको बंद करते हैं, इसको 2 मिनट और कुक करेंगे एंड उसके बाद हम ये रेडी. ओके एंड हियर वी गो, इट्स रेडी. नेक्स्ट हम बना रहे हैं आलू गोभी, सबकी फेवरेट आलू गोभी, मेरी भी है ना संजना. यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल. सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जीरा. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी अदरक.
नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी हल्दी पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी गोभी। मेक श्योर गोभी जब आप कट करेंगे उसको अच्छे से देखें, उसके अंदर कीड़े वगैरह काफ़ी सारे निकल रहे हैं इस सीज़न में। अच्छे से हम गोभी को मिक्स करते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी और इसको सिम आंच पे अब हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी गोभी हाफ कुक हो जाए। ओके, हियर वी गो, इट्स रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं गाजर कॉर्न मटर आलू की सब्जी। सो ये रहा मेरा पैन, इसको हम कर देंगे ऑयल, डालेंगे इसमें, गरम हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जीरा। ओके, सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, 1 टमाटर, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे हल्दी पाउडर, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा सॉल्ट, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हमारे कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न है, हमने 1 मुट्ठी डाला कॉर्न। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे मटर, इसमें डाल दिए मैंने मटर 1 मुट्ठी जितना। नेक्स्ट ये रहे मेरी गाजर, अगेन 1 गाजर जितनी हम डाल रहे हैं इसमें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, और अब हम इसे पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए सिम आंच पे, थोड़ा सा पानी डाल के, लाइक 1 मुट्ठी जितना पानी डाला, और अब हम इसको पकने देंगे सिम आंच पे। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड आलू, 2 बॉइल्ड आलू, दो मिनट हम इसे और पकाएंगे एंड इट्स गुड टू गो। ओके, सो हियर वी गो, इट्स रेडी, सो कलरफुल, सो यम्मी। वेलकम बैक जी। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गर्मी से अंदर आए और बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो गया और उसके बाद आपको लूजेज हो गए, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या खाएगा? ऐसी सिचुएशन में आप आलू की रेसिपीज़ खाएंगे। कोई भी आलू की रेसिपीज़ खाएं, आपके एक तो लूजेज इंस्टेंट रुक जाएंगे और उसके बाद आपकी बॉडी में एनर्जी भी आ जाएगी एंड 2 से 3 दिन के अंदर आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। बट लूजेज जो हैं आलू खाने से इंस्टेंटली रुक जाते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। ये रेसिपीज़ आप अपनी डाइट में ऐड करो एंड उसके बाद मिरेकल देखो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा स्टमक का फैट जाएगा एंड भूख नहीं लगेगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी क्रेविंग्स शांत होगी। आपको पता है कि 100 ग्राम्स ऑफ आलू में 80 से 90 कैलरीज होती हैं, 100 ग्राम्स बॉयल्ड आलू में, एंड ये बहुत ही कम कैलरीज है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड। बट मेक श्योर आप इसको इसी तरीके से खाएं, 100 ग्राम से ज़्यादा आप अपनी डाइट में मत लीजिए, 100 या 200 ग्राम से ज़्यादा आप अपनी डाइट में आलू मत ऐड कीजिए। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड मैं बहुत जल्दी प्रियंका का डाइट लेके आ रही हूँ, न्यूली ब्रेस्ट फीडिंग मदर, बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं। एंड देन दिव्यांशी का डाइट है प्लस 40 kg डाउन, बहुत मेरिकल उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने दिखाने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। सो या टेक केयर जी, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।